हेलो अमेजिंग पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग शूट नहीं किया है, तो आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इन्फॉर्मेशनल ही शेयर कर दिया जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हो, आपको भी पता है या नहीं पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ यार मैं कौन होता हूँ, शेयर करने वाला यह चीज़ हूँ द हेल आई एम। सो मैं बेसिकली दो स्टार्टअप्स में जो है वर्क कर रहा हूँ ऑलरेडी ऑलरेडी इन द सेंस, मतलब अभी ऑपरेशंस कुछ टाइम के लिए बंद किए हुए हैं, बट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हम फिर से ऑपरेशन शुरू कर देंगे। जिसके बाद मैं एक स्टार्टअप के साथ, एक इंदौर बेस्ड स्टार्टअप है जो अभी वर्किंग में है, और मैं उसके साथ ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। जिसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट में कुछ टाइम 1.5 ईयर वर्क भी किया है। सो कस्टमरों को जो है करीब से जाना है, सो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज उस चीज़ पर फोकस करते हैं, और वह चीज़ है कि यार आप करते क्या हो आपके 24 घंटे में। ओके, लॉकडाउन चल रहा है, सभी घर में रहते हो। ओके दैट्स फाइन, मतलब ये तो ठीक है यार, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में जस्ट इमेजिन कि अगर आप 8 घंटे भी अगर सोते हो, ठीक है, इट्स ओके यार, अभी लॉकडाउन वैसे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है, 8 घंटे सो सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर रहे हो, जिसमें से 4 से 5 घंटे मान लो कि आप खाते पीते हो वगैरह, मतलब जो भी नहाते वगैरह हो, तो उसमें हम माइनस कर देते, तो आपके पास मतलब 13 घंटे भी अगर हम माइनस करें एक दिन में से, तो बचते 11 घंटे। 10 राउंड फिगर अगर आप 10 भी माने, तो 10 घंटे में आप क्या करते हो यार, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो या फिर यूट्यूब पर फनी वीडियोज़ देखते हो। तो इट्स ओके यार, देखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लिसन, अगर आप 11 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे, मतलब 8 घंटे स्क्रॉल करो इंस्टाग्राम पर, या फिर आपको जो भी फनी वीडियोज़ देखना है वो करो, जो भी खेलना आपको गेम वगैरह खेलना करो, बट सिर्फ 3 घंटे, अगर आप 3 घंटे डेली अपने काम, मतलब कुछ भी काम करने के लिए निकाल लेते हो ना यार, तो आपके लॉकडाउन के बाद आपकी जो लाइफ है ना पूरी चेंज होकर निकलेगी। कोई स्किल सीख लीजिए यार, कोई बुक पढ़िए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़, मतलब कुछ रिसर्च वगैरह कीजिए। लाइक मैं रिसर्च वगैरह करता हूँ, वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पर, बट एजुकेशनल वीडियोज़ देखता हूँ यार, बिजनेस स्टोरीज़ वगैरह देखता हूँ, केस स्टडीज़ वगैरह देखता हूँ, क्योंकि यार वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक रिसर्च में, मतलब रिसर्च वगैरह कर रहा था अपने बिजनेस से रिलेटेड, और मुझे पता चला कि यार जो हम बिजनेस में जो वेस्ट निकाल देते हैं ना, उससे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बन सकती है। तो लॉकडाउन के बाद यार हम वही करने वाले हैं, वह एक्सपेरिमेंट करने वाले, बट अभी हमारे पास टाइम है तो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, ताकि हमको और भी नॉलेज मिले बिजनेस से रिलेटेड। एंड जिसके बाद यार अगर आप 3 घंटे लाइक कुछ भी रिसर्च वगैरह करते हो, आप वीडियो देखते हो या फिर कुछ स्किल ही सीखते हो ना, तो आपके काफ़ी काम में आएगी। मैंने खुद ने यार जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 2 स्किल्स अभी तक मैंने सीख लिया यार, जो कि मेरे लिए तो यार बहुत हेल्पफुल है, और भी अभी मैं आगे काफ़ी चीज़ें जो है सीखने वाला हूँ। सो बस यही था इस वीडियो का मोटो आपको बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ यार आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे, और लास्ट में यही कहूँगा यार, कुणाल शाह ने अभी जस्ट रिसेंटली एक ट्वीट किया था कि आफ्टर ऑल जो कंट्री है हमारी, जो पेन जो सफ़र हो रहा है, इसको या तो आप ऐसे ही चलने दो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन यह है कि आप इस पेन को, इस सफ़र को एज अ पोटेंशियल यूज़ करो, और जो प्रॉब्लम्स है ना नेशन की वो फिक्स करो, और अपने जो देश है ना उसको आगे बढ़ाओ यार। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चूज़ करते हो। सो होपफुली आपको यार अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह आप ज़रूर कर देना यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट, एंड किसी के साथ शेयर कर देना, होपफुली यार किसी और की लाइफ ज़रूर यह चेंज कर दे। तो बस यार उम्मीद करता हूँ कि आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे यार, एंड सेफ ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और अपनी फैमिली का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।